जन्माष्टमी और चहलुम को लेकर शहर में पूरी चौक चौबंद की व्यवस्था की गई है। बता दें कि भागलपुर शहर में प्रशासन पूरी तरह से तैनात है ताकि शांति बनी रहे। वहीं सदस्यों के साथ बैठक भी की गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी और चहलुम को लेकर निकाले जाने वाले शोभा यात्रा और जुलूस के संबंध में निर्देश पर वार्ता की गई। वहीं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि जन्माष्टमी के आयोजन स्थलों और जुलूसों को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत किए जाएंगे। वहीं चहलुम के जुलूस और अन्य आयोजन से संबंधित अंजुम और अखाड़े को सूचीबद्ध कर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उपद्रवियों पर खास नज़र रखी जाएगी। वहीं ये खास नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। किसी भी तरह की अफवाह या उन्माद फैलाने की कोशिश की गई तो ऐसे शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं शहरवासियों से अपील करते हुए भागलपुर पुलिस ने एकता और भाईचारे के साथ में दोनों पर्व बनाने का आग्रह किया है। अष्टमी को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था? चहलुम और जन्माष्टमी को लेकर मंडल स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहरी क्षेत्र के सभी शांति समिति के सदस्य, चहलुम कमेटी के पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए और शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष भी शामिल हुए। SDM DCLR और SP ट्रैफिक भी थे, उन्होंने ट्रैफिक पर बात की। जो भी नगर निगम से समस्या है, बिजली से समस्या है, पानी और जल से समस्या है, उनको नोट किया गया और उस पर जो भी निराकरण हो सकता है उस पर चर्चा हुई है। साथ में जो हम लोग जितने पर्व त्यौहार को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं उस मनाने की बात पर चर्चा हुई है। हम लोग इस बार भी वीडियोग्राफी और ड्रोन से मॉनिटरिंग करेंगे, CCTV लगाए जाएंगे और सभी जगहों पर सभी संवेदनशील स्थानों पर भी हमारा फोर्स रहेगा और जो महिला का सैन्य दल रहेगा, हमारा टाइगर मोबाइल भी रहेगा और क्यूआरटी भी गठित कर दी गई है। तो बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, हर पर्व त्यौहार की तरह शांतिपूर्ण ढंग से ही मनाएंगे और जनता से भी अपील रहेगी कि प्रशासन को सहयोग करें और कार्यक्रम को सफल बनाने में और सौहार्दपूर्ण बनाने में सहयोग। बता दें कि श्री DSP ने कहा कि हम लोग सभी पर्वों को अच्छे ढंग से मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी हो या चहलुम, दोनों ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।